रविवार को राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ की ओर से कार्यकर्ताओं की विभिन्न मांगों को लेकर घेराव धरना आयोजित किया गया। संगठन महासचिव के सिंह के नेतृत्व में इस विरोध प्रदर्शन में सिंह ने वेकोली प्रबंधन का ध्यान दुर्गापुर की श्रमिक कॉलोनी की विभिन्न समस्याओं की ओर दिलाया। इस मौके पर वेकोली कॉलोनी दुर्गापुर में अनियमित जलापूर्ति, नालों की सफाई, कचरा प्रबंधन, मलिन बस्तियों को गिरने, खराब गुणवत्ता वाली सड़कें, अनियमित बिजली कटौती समेत कई समस्याओं का कॉलोनी में मौजूद मजदूरों व उनके परिवारों ने विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को 11 बजे के सिंह के आह्वान पर कोयला मजदूर परिवारों की महिलाएं व दुर्गापुर उप क्षेत्रीय वेकोली कार्यालय के सामने धरना देने पहुंचे। श्रमिक कॉलोनी में नियमित जलापूर्ति हो, पानी की टंकियों की नियमित सफाई हो, नालों की समय समय पर सफाई हो, 2 दिन के अंतर नाले का कचरा हटाया जाए, बिजली आउटेज को रोकें, कॉलोनी के पास उगने वाले कांटों के पेड़ों को काट देना चाहिए, खाली पड़े मकानों को मजदूरों में बांट देना चाहिए। आंदोलन के दौरान राकोखम संघ के महासचिव के सिंह और उनके सहयोगी उप क्षेत्रीय प्रबंधक जे एकबारम से मिले और समस्याओं के बारे में बताया। एकबारम ने मुद्दे की गंभीरता को पहचाना और श्रमिकों की सभी मांगों पर सहमति व्यक्त की, इस आश्वासन के साथ कि अगले 3 दिनों में सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा, आंदोलन वापस ले लिया गया। इस अवसर पर बोलते हुए के सिंह ने कहा कि वेकोली ने पहले से ही श्रमिकों और कार्यों की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन प्रबंधक की लापरवाही का खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। पर्यवेक्षण के अभाव में ठेकेदार को भुगतान किया जा रहा है, इसलिए कॉलोनी में सुविधाओं का अभाव है, यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि अगर अधिकारी नहीं सुधरे तो वे CBI के जाल में फंसेंगे। उन्होंने समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इससे विरोध प्रदर्शन में शंकर खत्री, अविनाश लांजेवार, किशोर धुमने, ललन सिंह, OP तिवारी, अमित सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता व उनके परिवार के सदस्य शामिल हुए। नातवांच्या बसा येतात, बस नाही येतात, नारायण शाळे, नारायण स्कूलच्या बसाचा त्रास आहे, बसचा, शाळेच्या आणि पाण्याचा याचा त्रास आहे। आणि त्या नाल्या काढतात, त्या नाल्याचा कचरा सगळा बाजूला राहतात, पण ते 2-4 दिवसांनी उचलतात आणि तो कचरा डुकरं आणि हे कुत्रे वगैरे सगळे त्या नाल्यात टाकतात। हां, तो उचलला नाही, तो जशान तसा तिथे राहते, त्यात त्याची गंदगी सगळी। अरे एवढे आता बिमाऱ्या होऊन गेल्या 3 वर्षामध्ये, केवढा आपण प्रकार पाळला, आरोग्य ह्या सगळे रोग आला होता 3 वर्षाचा, त्याचा एवढा त्रास होऊन राहिला, ह्या त्या गंदगी, ह्या नालीच्या गंदगीने होणार नाही का हा त्रास? हा नष्ट झाला पाहिजे पूर्ण। आणि लाईट किती वेळ जातात, 2-3 तास होते पोरांचा अभ्यास नाही होत शाळेचा। ऐसा है की बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं की वेलफेयर के नाम पे, लैट्रिन बाथरूम के नाम पे, सैनिटेशन के नाम पे, कचरा के नाम पे, पानी के नाम पे करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है। कम से कम 2-3 बार तो आवाज़ सिंह जब GM थे तब भी, शाबिर साहब थे तब भी, उनको ला के व्यक्तिगत हम लोगों ने घुमाया, लिखा पढ़ी किया, और ये आरोप लगाते रहे कि यहाँ पे पैसा जो बट रहा है ये कुछ अधिकारी और कुछ ठेकेदार मिल के पैसा खा जा रहे हैं और सफाई नहीं हो रही है। इसी कड़ी में आज फिर हम लोग यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन की तैयारी किए थे, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से पानी की बहुत समस्या है, लाइन बहुत कटती है, झाड़ कटते हैं लेकिन कुछ जगह के बाकी छोड़ देते हैं और बिल बन जाता है। ऐसे बहुत सारी धांधलियाँ पिछले बहुत दिनों से, कई सालों से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये हर जगह हो रहा है, लालपेट में भी हो रहा है, रतवारी में भी हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने पहला पहल आज दुर्गापुर से किया है। हफ्ते भर का इनको हमने मौका दिया है, हफ्ते भर में नहीं होगा तो एक बड़ा आंदोलन एरिया के लेवल पे करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे 2 अधिकारी अभी विजिलेंस केस हुआ और 2 ऑफिसर अभी रंगे हाथ पकड़े गए और सस्पेंड हुए, हम नहीं चाहते कि उसकी नौकरी जाए किसी की, लेकिन मजबूरी होगा कि अगर हफ्ते भर में नहीं होगा तो हमको भी ऐसे ऑफिसरों को ट्रैप कराना ही पड़ेगा ताकि वो डर बने और दहशत बने। चंद्रपुर से BCN न्यूज़ के लिए सुनील ताइडे की रिपोर्ट।